नमस्कार, आपका स्वागत है। और दिवाली बस अगले मोड़ पर है, कुछ ही दिन दूर है और देश चुनावी मोड़ की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को देखें तो एल निनो के कारण देश में बारिश कम हुई है, असर फसलों पर है। चावल समेत कई फसलों का उत्पादन घटने की एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन आगे चलते हुए एग्री एज अ सेक्टर में यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, चाहे वो सप्लाई चेन है या एग्री वेस्ट मैनेजमेंट, सरकार आगे यहाँ पर किस तरह के कदम उठा सकती है, फाइनेंसिंग के क्या नंबर्स हैं, क्या ग्रोथ है, इन सब पर जानकारी के लिए हमारे साथ अब सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट के फाउंडर एंड CEO संदीप सबरवाल हैं। संदीप नमस्कार, त्योहारों की बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर पिछले दिवाली से इस दिवाली तक यहाँ पर देखें, ईयर ऑन ईयर की बात यहाँ पर करें, किस तरह की स्ट्रेंथ और ग्रोथ आप यहाँ पर एग्री सेक्टर में बनता हुआ देखते हैं, फिर चाहे वो टेक के हिसाब से है, नॉलेज शेयरिंग है किसानों के साथ या फिर क्रेडिट फाइनेंसिंग है। नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो मेरा मानना ये है कि एग्री एक सुपर साइकिल पे आ गया है। एग्री इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया की एग्री इंडस्ट्री की बात करें और सप्लाई चेन की बात करें तो हम एक सुपर साइकिल पे आ गए हैं जो अगले एक डिकेड मतलब अगले 8 से 9 साल चलेगा ये। और जो अनुमान है, आंकड़े अगर हम देखते हैं तो अब ये जो एग्री इंडस्ट्री का सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो पूरा विषय है, ये $820 मिलियन की इंडस्ट्री हुआ करती थी 2022 में और हमारे अनुमान से $2.3 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी अगले 7 सालों में। करीबन औसत ये 12 से 13% पर एनम इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आने वाली है। इसको मद्देनजर रखते हुए इसी के साथ ही आपकी आती है एग्री की फाइनेंसिंग ग्रोथ, एग्री महिला ग्रोथ एंड इसके साथ आपके आदर्श CSR एक्टिविटीज, ये सारी चीजें इकट्ठे देखनी पड़ेंगी आपको। अगर आप ये देखें तो अब अगर मैं अपने फर्म की बात करता हूँ तो हमारा ग्रोथ मोर देन 250% हुआ अगले पिछले 1 साल में एंड हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगले 1.5 सालों में फिर हम 200% से ऊपर ग्रो करेंगे। ये कहते हुए भी मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप महिलाओं की बात करें एग्री में, महिलाओं में तो कई मॉडल जो आजकल प्रचलित हो गए हैं, FPO मॉडल हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल हैं, उसमें जो क्रेडिट निवेश आ रहा है या क्रेडिट दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी NBFC की बात करूँ तो हमने अपने NBFC में पिछले 8 महीनों में 26,000 महिलाओं को ₹43,000 औसत के हिसाब से 109 करोड़ का लोन बांटा है। तो एक एग्री सुपर साइकिल पे आया हुआ है इस टाइम और ये सुपर साइकिल मुझे अभी रुकता हुआ दिख नहीं रहा कम से कम अगले 5 साल। ओके एंड संदीप, काफी बड़े बड़े और सुंदर नंबर्स आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किए एंड कंग्रेचुलेशंस। 250% की गेंस यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज एज ऑफ नाउ उसके बारे में बोस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगला 1 साल यहाँ पर इलेक्शंस वाला है, किस तरह के मेजर्स, किस तरह की सहूलतें आप देखते हैं सरकार की तरफ से आता हुआ इस सेक्टर के लिए? इसमें क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो ऑस्टेरिटी मेजर्स तो आते ही हैं इलेक्शन ईयर में, इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट काबू रखना ही चाहती है और वो लगातार रहेगी भी। सिर्फ एक ही हमारी गुजारिश है कि एग्री सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें बड़ा नाप खोल कर सबको स्टेप्स लेने हैं। कोई भी नीज अर्थ रिएक्शन की इकट्ठे आपने किसी चीज के लिए एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया, इम्पोर्ट बंद कर दिया या आपने एग्रीकल्चर का क्रेडिट में फ्री लोन्स या लोन माफ कर दिया, ये सब नीज अर्थ रिएक्शन है। अगर इससे रिफ्रेन करें तो अगर जो अभी स्थिति चली अगर यही चलती रहे तो मुझे कोई इस पर शंका नहीं है कि एग्री इंडस्ट्री में अभी अगले 3 साल तक कोई जर्क आने वाला नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है। हाँ ये जरूर है क्योंकि प्रोडक्शन सप्लाई डिमांड में प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि कई जगह रेन्स कम है, कहीं यहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, तो ये सप्लाई चेन का एक कॉन्स्टेंट चैलेंज रहा है आज से नहीं पिछले करीबन 2 दशकों से। मतलब आप देखिए तो ये हर 3 साल 4 साल बाद एक बार होता है कोई ना कोई कमोडिटी एक इन्फ्लेशन पॉइंट पे आती है और फिर वो घट जाती है, पर अब तक क्या हो गया कि सप्लाई चेन खुद इतनी संभल चुकी है कि लोगों का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आने लग गया है कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर दाल तेज है तो दूसरी दाल उसकी वजह से तेज नहीं हो रही है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तूर उड़द तेज है तो चना दाल तेज नहीं है क्योंकि चना दाल में इनफ प्रोडक्शन है और वो प्रोडक्शन साइकिल चेंज भी हो रहा है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीषा जी ये भी आ रहा है कि इस पूरे सेक्टर में जो एग्री टेक जो आज से 2 साल जो एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि पहले 2 साल पहले एग्री टेक एज एन इंडस्ट्री को सिर्फ इंडिविजुअली देखा जा रहा था, परंतु अब जो बात हो रही है वो बोल रहे हैं कि एग्रीटेक एक एग्री इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, एग्रीटेक अलग से कोई चीज नहीं है। जब तक एग्रीटेक की शादी या मैरिज जिसे हम बोले एग्रीकल्चर के हार्ड कोर जमीन से लगे हुए एग्रीकल्चर किसान के साथ नहीं होता तो एग्रीटेक ऑन इट्स ओन सर्वाइव नहीं करेगा, ये सबको साफ नजर आने लग गया है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इसकी होलिस्टिक ग्रोथ होने लग गई है, नहीं तो आप देख रहे थे कि एग्रीटेक एक पूरा एक नीश बन गया था जहां पर आप ग्रोथ देख रहे थे पर एग्रीकल्चर लैग कर रहा था, सडनली अब वो ये फर्क निकल गया है, लोगों को समझ आ गया है कि एग्रीटेक एज सच क्योंकि B2C व्हीकल नहीं है तो एग्रीटेक एग्रीटेक कोई चीज नहीं है, एग्रीकल्चर एज अ होलिस्टिक व्यू देखा जाएगा।
एब्सोल्युटली काफी सारी चीजों की आपने यहाँ पर बात की एंड ऑलवेज एज ऑलवेज संदीप बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और हम चाहेंगे आप हमारे साथ और भी डिटेल में आगे चल के भी यहाँ पर बात करें क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा लोग ना टैकल करते हैं ना बात करते हैं. सो बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए आज त्यौहार के समय में एक पूरे एग्री सेक्टर पर वो बात भी करने के लिए. आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर बात करेंगे दिवाली की और एक चीज आप यहाँ पर डेफिनेटली जानना चाहते हैं